ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में हमारा कैसे प्राप्त करोगे रिएक्शन चल रही थी, कैसे प्राप्त करोगे, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो अब तक हम दो तीन वीडियो दिए थे, लेकिन तीन वीडियो में हमने पांच ही रिएक्शन कराई हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो बाकी रिएक्शन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। 50 रिएक्शन मैं आपको दे दिए हैं, यानी 25 रिएक्शन दिए हैं अभी, 25 और आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन देनी है आपको, ये इनऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री की हैं। तो देखिए होता क्या है, ध्यान से समझो कि जैसे आपने एक एक रिएक्शन को समझा सीखा तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब देखिएगा, जैसे पहले एक वीडियो मैंने एक वीडियो यानी पहली वीडियो में केवल एक रिएक्शन कराई थी, लेकिन इस वीडियो में आज आपको 5 रिएक्शन करा रहा हूँ। और ऐसे नहीं है छोटी छोटी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी भी रिएक्शन है इसमें। जैसे ये आपको आप 5-6 पदों में, यानी जो पहली वाली रिएक्शन है उससे एक पद और एक्स्ट्रा है, वो 6 पदों में थी, ये 7 पदों में होगी, ठीक है। तो वही चीज़ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये कर लिया आपने तो बाकी सारी केमिस्ट्री की रिएक्शन हो जाएंगी। चलिएगा देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये 6ठी रिएक्शन क्या है, देखिए यह है आपका एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर बताना है। एथिल एल्कोहल समझ रहे हो, एथिल एल्कोहल होता है आपका C2H5OH, एथिल एल्कोहल। ओके, एथिल एल्कोहल हो गया ये, ठीक है। एथिल एल्कोहल को आप क्या करोगे, सीधे सीधे H2SO4 की उपस्थिति में क्या कर दो, इसको गर्म कर दो, और वो भी तेज गर्म कर दो, जैसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 तो लिख सकते हो आप, 400 से 500 केल्विन ताप, या इतने डिग्री सेंटीग्रेड छोड़ो, इतना रहने दो, बस गर्म करना ताप को, क्यों पेपर आने वाले हैं इसलिए, बस केवल गर्म का साइन बनाओ, गर्म कर दिया। जैसे ही गर्म करेंगे हम क्या होगा, यहाँ से हम डायरेक्टली क्या होता है, इसके दो अणु को हम गर्म करते हैं, तो यहाँ पर आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5OH, C2H5 ये आ गया। ये आपका क्या है, डाई एथिल ईथर है, यही है आपका डाई एथिल ईथर, ठीक है। ये डाई एथिल ईथर बन गया। अब देखिएगा, देखो यहां पे कितने हैं, ध्यान से समझो जरा, हमने क्या किया था, इसके दो अणु को गर्म किया था, तो C2H5 दो बार, C2H5 ये दो बार आ गया, ठीक है। अब ये OH बचेगा दो बार, OH दो बार, तो ये देखिए ये मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, H2O निकल गया और एक O यहाँ पर आ गया, बन गया ना, बन गया, काम खत्म, ठीक है। अब ये तो एक पद में हो गई। यदि आप चाहते हो कि हम भैया सर जी हमको दो पदों में बना के दिखाओ, देखो दो पदों में बन जाती है, ये कैसे बनती है, ये C2H5OH की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, OH की क्रिया हम HBr से करा दें, तो होगा क्या, यहाँ से ये OH निकल के इसके साथ मिलकर H2O बना लेगा, और ये C2H5Br क्या हो गया, ये एथिल ब्रोमाइड बन गया। अब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया NaOC2H5 सोडियम एथोनेट से कराते हैं, तो क्या बन जाता है, C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5, देखिए C2H5 और O C2H5 ये आ गया, N के साथ में ये इसके साथ में मिलेगा और क्या बना लेगा, NaBr बना लेता है। समझ में आई बात, समझ में क्लियर हुई ना हुई बात, चलिए बहुत ही जल्दी से इसको कर लीजिए, चाहे तो इस रिएक्शन को कर लीजिए एक पद में, चाहे इसको दो पदों में याद कर लीजिएगा, जो अच्छा लगे उसको कर लीजिएगा। ये डाई एथिल ईथर हो गया, ये सोडियम एथोनेट हो गया, ठीक है, चलिए जल्दी से कर लीजिएगा, ये एथिल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। चलिए दोनों रिएक्शन समझ में आ गई, चलिए ठीक, क्लियर हुई ना हुई बात, देखिए हर रिएक्शन ऐसे ही समझ में आने वाली है आपको। एक रिएक्शन हो गई, सातवीं रिएक्शन को देखिएगा, सातवीं क्या है, एथिल एल्कोहल, यानी कि आपका वही चीज C2H5OH, और हमें एथिलीन चाहिए, एथिलीन वही चीज़ है, इसको गर्म कर दो, H2SO4 की उपस्थिति में हम इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे एथिलीन का मतलब C2H4, ये है आपका एथिलीन, ठीक, एथिलीन, एथिलीन बन गई, देखिएगा C2H4, 4H यहाँ पर आ गए, एक एच बचा, यहाँ से देखिए 5H थे, यहाँ पर 4 आ गया, C2 ये आ गया, C2 एक एच यहाँ से बचा, OH यहाँ से मिलकर क्या बना लेगा, H2O, ये बन गया एथिलीन बन गया। जब अब एक चीज़ समझ में आ गई,
जब हम एथिल अल्कोहल के दो अणु को गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर बनेगा, और यदि एथिल अल्कोहल के एक अणु को गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, एथिलीन बनेगी। ओके, समझ में आई बात। इससे पहली वाली वीडियो में आपने क्या सीखा था, मेथिल अल्कोहल से, सबसे पहली वाली वीडियो मेथिल अल्कोहल से आपका एथिल अल्कोहल सीखा था, एथिल अल्कोहल। तो वही क्रिया इस वाली रिएक्शन में लागू होगी, यानी कि इसमें देखिएगा कैसे, देखिए साथ में समझ में आ गई, आठ में देखिएगा, आठ में वही रिएक्शन आपकी ली जाएगी, देखिएगा कैसे। पहले हम लेते हैं फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का मतलब होता है HCHO, ये है आपका फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पर आपका मेथिल अल्कोहल बना ले रहे हैं फार्मेल्डिहाइड से सबसे पहले। तो फार्मेल्डिहाइड, मेथिल अल्कोहल का मतलब क्या है, मेथिल अल्कोहल का होता है आपका CH3OH। तो CH3 यानी कि आपको कितने H चाहिए, आपको यहाँ पर देखिएगा OH, तो ये आ गया OH, C ये आ गया है, OH ये वाला OH यहाँ पर आ गया, C ये आ गया, एक एच यहाँ पर आ गया, यानी दो एच की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, H2 की प्लस कर दिया, प्लस H2 कर दिया, काम खत्म। प्लस H2 हाइड्रोजन मिलाकर हमने क्या बना लिया आपका, CH3OH बना लिया, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा करो, हाइड्रोजन को ऐसा करो 2H मिलाओ, केवल 2H इस तरह से मिलाओ, ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन करा दो इसका, ठीक है, चलिएगा। अब ये आ गया, ठीक है, या तो H2 जोड़ सकते हो या H जोड़ो, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन और नवजात हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक, डायरेक्टली हमारा क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल बन गया। अब मेथिल अल्कोहल की क्रिया याद है कुछ, किससे कराई थी, PCl5 से, PCl5 से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, CH3Cl बनता है, CH3Cl बनता है। अब यहाँ से जब P और O दिखाई देता है तो POCl3 निकल जाता है, निकलता है, निकलता है, और आपका HCl निकल जाता है, यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए अब देख गिन लो, यहाँ से देखिएगा CH3 था, CH3 यहाँ पर आ गया, एक Cl यहाँ पर इस्तेमाल हो गया, बचे कितने, चार Cl बच रहे हैं, चार में से तीन यहाँ पर इस्तेमाल हो गए, एक Cl बचा, पी यहाँ पर इस्तेमाल हो गए, वो यहाँ पर, तो एच इसके साथ में, तो HCl निकल गया, समझ में आई बात। और ये तो आपको पता ही है POCl3 और HCl ही निकलता है, PCl5 से क्रिया करा कर ये आ गया। अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, ये आ गया मेथिल क्लोराइड आ गया, अब क्या बनाते हैं यहाँ से हम, मेथिल साइनाइड। इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराते हैं, और CH3 ये साइनाइड समूह यहाँ पर आके जुड़ जाता है CN, ठीक है, और ये H इसके साथ में मिलकर क्या बना लेगा, HCl निकल जाता है, HCl निकल गया। अब इस हाइड्रोजन साइनाइड में हम क्या करते हैं, अब इसको हम एथिल एमीन बना लेते हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको एथिल एमीन बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसका अपचयन करा देते हैं, इसका फिर से इसका अपचयन करा दिया, और चार H के साथ में हम इसका अपचयन कराते हैं तो क्या बन जाता है आपका, C2H5 एथिलएमीन बन गया ना, C2H5NH2, देखिए C2H3 से 2H यहाँ से लिए H5 हो गए, N और 2H यहाँ पर आ गए, तो C2H5NH2 एथिल एमीन बन गया, C2H5NH2 से क्रिया, इसकी क्रिया किससे कराते हैं भाई, C2H5NH2 आ गया, इसकी क्रिया किस चीज से करा रहे हैं, नाइट्रस अम्ल HNO2 से कराते हैं, नाइट्रस अम्ल से कराते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से OH लेकर आपका C2H5OH ले लिया, तो मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल ऐसे ही बना था, यहाँ तक आ गए, ठीक है, तो मतलब एक एक पद बढ़ गया आपका, ठीक, और यहाँ से निकलेगा क्या, देखिए C2H5 O लिया, H लिया, ये आ गए OH, तो यहाँ से आपका NH2 बचा और OH यहाँ से निकल गया, तो NO बचा, तो यहाँ से क्या है आपका NN मिलके N2 निकल जाएगा,
और आपका एन एन मिलके एन टू निकल गया, और यहाँ से क्या बचा, एक ओ बचा और एच टू बचे, तो एच टू ओ ये आ गया। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई, देखिएगा सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव यहाँ पर आ गया, यहाँ एन एच टू था, और यहाँ से हमने क्या करा, एक ओ लिया और एक एच लेकर यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर एन बचा तो एन एन के साथ मिलकर एन टू निकल गए, यहाँ से एक एच, यहाँ से एच टू ओ एच टू, और यहाँ से एक ओ एच टू ओ बन गया। ठीक है, चलिएगा अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, इसकी क्रिया कुछ नहीं है, सी यू की उपस्थिति में हम इसको क्या कर दे रहे हैं, गर्म कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, एसीटैल्डिहाइड बन जाएगा, सी एच थ्री सी एच ओ बन जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड। तो देखिएगा और निकलेगा क्या, यहाँ पर आपका एक दो सी का इस्तेमाल हो गया और एक ओ का भी इस्तेमाल हो गया, तीन और एक चार, चार एच का भी इस्तेमाल हो गया, लेकिन यहाँ पर छः एच हैं, तो यहाँ पर क्या एच टू निकल जाएगा, यही है आपका एसीटैल्डिहाइड। क्या आ गया, एसीटैल्डिहाइड। अब आपने, मैंने इस पर ज़्यादा फोकस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल हमने आपको बताया था, मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल हमने आपको पहली वाली रिएक्शन में सिखाया था, तो अब यहां तक तो हम काफी बार सिखा चुके हैं आपको, तो यहां से बस एक पद ये चीज बढ़ी है कि भैया फॉर्मेल्डिहाइड से मैथिल एल्कोहल कैसे लेकर आए और एथिल एल्कोहल से एसिटैल्डिहाइड कैसे लेकर आए, तो मतलब एक पद इधर और एक पद इधर, यानी दो पद और एक्स्ट्रा बढ़ गए, बाकी वही है। ठीक है, अब थियोरटिकली इसको याद कर लीजिए कि भैया जब नहीं समझ में आ रही तो फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन कराकर मैथिल एल्कोहल बनाते हैं, मैथिल एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराकर CH3Cl बनाते हैं, CH3Cl की क्रिया HCN से कराकर CH3CN बनाते हैं, CH3CN का फिर से अपचयन कराकर एथिल एमीन बना लेते हैं, एथिल एमीन का नाइट्रस अम्ल से क्रिया करा के एथिल एल्कोहल बना लेते हैं, एथिल एल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करके एसीटैल्डिहाइड बना लेते हैं, तो ये बन गया। अब यहीं से काफ़ी सारी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, मैथिल एल्कोहल से एसीटैल्डिहाइड बनाना आ गया, एथिल एल्कोहल से एसीटैल्डिहाइड बनाना आ गया, मैथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल भी सीख गए, फॉर्मेल्डिहाइड से मैथिल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल, ठीक है, बने ना बने, मतलब हर चीज़ आपकी कंप्लीट होती जा रही है, फॉर्मेल्डिहाइड से एथिल एमीन बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड से एथिल एमीन, ये पूरी रिएक्शन लिख दीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाता है एसीटैल्डिहाइड से एसीटोन, देखो ये भी मिलती जुलती रिएक्शन ही आएंगी सारी। ठीक है, चलिएगा अब देखिए, ये हो गए एसीटैल्डिहाइड यानी कि CH3CHO एसीटैल्डिहाइड, अब एसीटैल्डिहाइड से हम क्या बना रहे हैं, एसीटोन बना रहे हैं, तो इसके लिए देखिए ये है आपका एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसीटैल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल प्राप्त करते हैं, और एसिटिक अम्ल इसका ऑक्सीकरण कराकर, ऑक्सीकरण कराकर हम क्या कर देंगे इसका CH3COOH, ये क्या आ गया आपका एसिटिक अम्ल बन गया। अब इस एसिटिक अम्ल की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, इस एसिटिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का ट्वाइस, केवल OH का ट्वाइस से कराकर कैल्शियम एसीटेट प्राप्त कर लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट होता है CH3COO का ट्वाइस CA, इससे करा ली हमने, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट बन गया। अब इस कैल्शियम एसीटेट की क्रिया हम किससे करा दें, कैल्शियम एसीटेट है, अब देखिए होता क्या, देखो ध्यान से समझो, ये जो कैल्शियम एसीटेट है CH3COO का ट्वाइस, मतलब ये दो बार है और यहाँ पर CA है, तो इसका मतलब ये है कि आपका CH3COO और CH3COO इन दोनों की क्रिया हमने यहाँ पर करा दी, यानी कि ये जो CA है CA के साथ में ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो कैल्शियम एसीटेट
अपने आप में ये फॉर्मूला है और इसकी खुली संरचना ये है CH3COO CH3COO। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल यहाँ से दूसरी तरह से लिखेंगे, यानी कि नई लाइन से लिख दो या यहीं से आगे बढ़ा दो, एरो करके लिख देना, या फिर मैं यहाँ पर इस लिख दे रहा हूँ CH3COO CH3COO। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है एसीटोन, और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3 CH3 CO CH3। ये है, तो देखिएगा बन गया, बनेगा कैसे, CH3CO और ये CH3, ये आ गया CH3CO CH3 आ गया। अब बचा क्या आपका CaCOO3, तो यानी कि CaCO3 निकल गया, बात करता हूँ, इस पर तो कुछ करा ही नहीं, सीधे सीधी बात है, नो लिख दो, गर्म कर दिया बस। ठीक है, बस यही चीज़ है आपकी। तो हमने क्या करा, थ्योरेटिकली याद कर लो, सर हमें समझ में नहीं आता हम कैसे बनाएं, क्या चीज़ करें, थ्योरी का लिए, थ्योरी इसीलिए होती है कि एसिटाल्डिहाइड का अपचयन कराकर एसिटिक अम्ल बना लेते हैं, एसिटिक अम्ल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर कैल्शियम एसीटेट बना लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करके एसीटोन बन जाता है, ये आपकी थ्योरी होगी। तो इस तरह से याद, थ्योरी भी तो याद करनी है आपको, तभी तो देखिए हमें तभी क्या करें, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्शन से थ्योरी, थ्योरी से रिएक्शन बन जाएगी। अब रिएक्शन आपको समझ में आ गई, कभी एसिटाल्डिहाइड से डायरेक्ट तो बनेगा नहीं एसीटोन, हम क्या करेंगे एसिटाल्डिहाइड में सबसे पहले हम इसका अपचयन कराया या ऑक्सीकरण कराया, मैंने अपचयन ऑक्सीकरण करा के इसका क्या बना लिया, मैंने एसिटिक अम्ल बना लिया। एसिटिक अम्ल में मैंने कोई भी एक क्षार मिलाया, जैसे NaOH, NaOH क्यों नहीं मिलाया, जब NaOH मिलाता तो केवल एक बार ही आता, ठीक है, क्या बन जाता, सोडियम एसीटेट बन जाता, CH3COONa बन जाता सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का कोई यूज नहीं होता क्योंकि हमको एसीटोन में CH3 दो बार चाहिए, तो दो बार लगाने के लिए हमने क्या करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा दी इससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कि अपने आप में कैल्शियम एसीटेट बना, यानी CH3 का डबल अपने आप आ गया, तो बस CH3CO CH3 ये अपने आप ले लिया हमने, बाकी बचा हुआ ये जो आपका बच रहा है ये पूरा पूरा एक साथ लिख दिया, ये पूरा ये पूरा बचा ये CaCOO3, ठीक है ना, ये बन गया आपका, तो यही आपका क्रिया हो गई। चलिएगा तो ये एसिटाल्डिहाइड से ये हो गया, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे हम इसको आगे। अगला देखिएगा दसवां, ये क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO, ठीक है, की क्रिया किससे कराएं हम, के क्या बन जाए, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का मतलब समझते हो, यूरोट्रोपिन का फॉर्मूला होता है CH2 का होल फोर और आपका होल सिक्स है भाई, ये गलत कर दिया है हमने, ये क्या है CH2 का होल सिक्स N4, ये है इसका फॉर्मूला। तो ये है भैया यूरोट्रोपिन। अब इसकी क्रिया देखिएगा हम NH3 से करा देते हैं NH3, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे C कितने हैं, एक है, यहाँ पे कितने हैं, छः हो गए, तो छः की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी, और ये N कितने, चार हैं, और इधर N एक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, चार कर दिया, तो चार NH3 की हमने इससे क्रिया कराई, यूरोट्रोपिन बन गया, ठीक है। अब देखो कंप्लीट करो, N कितने, चार, इधर भी N चार, C कितने, इधर भी छः, इधर भी छः, ठीक है। और अब आपका H देखो, चार तिया बारह, और बारह और दो बारह, और दो एरे दो, और दो की मल्टीप्लाई छः में करेंगे तो बारह, देखिए दो गुणा छः यानी दो छक्के बारह इधर और बारह इधर, 24 H हैं, कितने 24 H, यहाँ पर कितने हैं, छः दूनी बारह, बारह हैं यहाँ पर, बारह H, तो बारह H इधर एक्स्ट्रा हैं, बारह H एक्स्ट्रा हैं और छः O एक्स्ट्रा हैं। तो आपको मैंने क्या बताई थी, जितने O होते हैं उतने ही H2O लगा दो, तो छः दूनी बारह H, ठीक है, बारह H भी आ गए और छः O भी आ गए, जितने O इधर उतने ही H2O निकालते हैं, ये चीज़ तो हमने पहले ही बता रखी है आपको, जितने O इधर होंगे ज़्यादा उतने ही इधर H2O
लगाना पड़ता है, ठीक है, चलिएगा। तो ये 10 रिएक्शन हो गई आपकी। अब आगे की 10 रिएक्शनों को एक साथ करा देंगे, ठीक है। अब ज़्यादा ज़्यादा रिएक्शन करा रहे हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके फ्लो में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो कमेंट करना, क्योंकि अब मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा, क्योंकि पुरानी रिएक्शन को देखो समझो, लेकिन फिर भी यदि नहीं आती है समझ में तो हमको कमेंट जरूर करना, ठीक है।